हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इन्होंने कुछ वैकेंसीज अनाउंस की है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो जो फॉर्म है वो आप इनकी वेबसाइट से जाके फिल कर सकते हैं। जो इनका पोर्टल है वो सुबह 10 बजे से लेके इवनिंग 5 o'clock तक ओपन रहता है। इन्होंने टोटल 200 नंबर ऑफ वैकेंसीज ओपन की हैं, जिसमें सिविल की, अगर हम डेडिकेटेडली सिविल के लिए देखें तो देयर आर 35 वैकेंसीज। ओके, सो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, तो जो कि कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की फर्स्ट डेट है, दैट इज़ 24th March 2020। ओके, ये अब रिवाइज हो चुकी है। यहाँ पर हमें रिवाइज नोटिफिकेशन मिल गया था जो कि 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है 9th March 2020। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दी हुई है BE, BTEC, BSc इन इंजीनियरिंग, या फिर कोई भी 5 साल 5 ईयर का MTEC विथ 60% एग्रीगेटेड मार्क्स इन वन ऑफ द 7 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मैंशन इन द टेबल बिलो। ओके, तो यहाँ पर जो 7 मैंशन दिए हुए हैं, 7 कैटेगरीज, इनमें से आपको सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में चेक करना है। तो यहाँ पर हम बात करें सिविल की, तो सिविल में ही डिग्री होनी चाहिए आपकी। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो अपर एज है वो है 26, और रिलैक्सेशन इज आल्सो गिवन टू द कैंडिडेट्स हु बिलोंग फ्रॉम रिजर्वेशन कैटेगरी। के प्लेसमेंट, अगर आप प्लेस हो जाते हो तो ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको 55,000 की स्टाइपेंड प्रोवाइड कराएंगे मंथली। इसके अलावा एक बार आपको अलाउंस मिलेगा, वो होगा 18,000 का। उसके बाद पे ऑन, अगर आप आफ्टर ट्रेनिंग जब आप प्लेस हो जाओगे तो जो आपकी जॉब होगी वो होगी साइंटिफिक ऑफिसर की। उसमें आपकी जो पे लेवल होगी वो लेवल 10 होगी। उसके बाद जो सैलरी होगी 56,100 रुपीज़ की होगी। उसमें आपकी DA अलाउंस वगैरह सब कुछ ऐड करके आपको मिल जाएगा जो भी उस वक्त होगा। अलाउंस विल बी अलाउड, इंसेंटिव्स भी मिलेंगे अगर कुछ होगा बॉन्ड। ओके, सो अगर हम बॉन्ड की बात करें तो आपको 6,78,000 रुपीज़ का बॉन्ड मनी आपको वहाँ देना होगा उस, और जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 3 साल का बॉन्ड होगा ये, 3 साल जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे वो आपको फिर से रिफंड मिल जाएगा। और वो कैसे है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स जो गेट का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, गेट जिन्होंने क्लियर किया था, गेट 2018, 2019 एंड 2020 स्कोर ओनली। तो इसका जो क्राइटेरिया है बेसिकली, अगर आपने गेट अटेम्प्ट किया है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। अगर आप इनके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाते हो, देन यू विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू जो आपका शेड्यूल होगा वो होगा 4th week of April in 2021। ओके, जो इंटरव्यू के टाइम पर ही आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आपको एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए होगा। वो कुछ भी हो सकता है, या तो आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दैट इज TC, और योर 10th बोर्ड मार्कशीट। तो जो भी यहाँ पर लिखे हैं ये कास्ट, ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अलाउ, मतलब वहाँ पे शो करने होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू वॉन्ट ऑल द मटेरियल्स रिलेटेड टू योर एग्जाम्स देन डू फॉलो द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। थैंक यू।